काफी देर से बैठे परविंदर जी, इसके पहले जब आपने चुनाव लड़ा था तो बीजेपी और आपका गठबंधन था, इस बार आप बसपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नहीं है तो एक हिंदू चेहरा जो है वो आपके साथ नहीं हो पाएगा, उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है, और आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है या बीजेपी 117 सीटों पर लड़ रही है, आपको इन तीनों पार्टी में ऐसा क्या लग रहा है कि कौन सा कड़ा टक्कर दे सकता है और किसके साथ जबरदस्त एक लड़ाई और होने वाली है? देखिए मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर जब भी बादल साहब की सरकार रही है वहां पे हिंदू मुसलमान का कभी मसला नहीं रहा। अगर उन्होंने हरमंदिर साहब में उसको डेवलप करा है तो दुर्गैना मंदिर को भी डेवलप करा है, मस्जिद को भी डेवलप करा है, वहां पे इस तरह का जो जातिवाद है या रिलीजन की बात है वो लानी भी नहीं चाहिए और स्थानीय पार्टी को आना चाहिए। दूसरी बात, केजरीवाल साहब शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ये बात क्यों कही गई कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम दलित डिप्टी सीएम लेके आएंगे, अगर जातिवाद नहीं है आप लोगों की तरफ से, अगर ऐसी चीज नहीं है तो? जितने भी समाज के लोग हैं सबका बीच के अंदर भागीदारी होनी चाहिए। सबसे पहले सुखबीर बादल जी ने कहा था कि हम जो है डिप्टी सीएम दलित को लाएंगे, उसके बाद सबने कॉपी करी, कांग्रेस पार्टी ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी। कांग्रेस पार्टी की तो जो चन्नी साहब थे वो फिफ्थ चॉइस थे, पहली चॉइस तो सिद्धू साहब थे, जब कैप्टन साहब ने उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, उसके बाद अंबिका सोनी आती है, रंधावा जी आते हैं और दूसरे लोग आते हैं और एंड में उन्होंने कहा चलो जी एक दलित चेहरा उसको ले आए, इसका हमें इलेक्शन में फायदा होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पंजाब में आते हैं तो लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जब वो आए थे उन्होंने कहा अन्ना हजारे के साथ, उन्होंने कहा हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा हम कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा हम बंगला नहीं लेंगे। ये बहुत पुरानी बातें हो गई, उसके बाद क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, सरकार क्रेडिबिलिटी दिल्ली में दो बार सरकार बनाई है और पिछले अगर हम 2017 चुनाव के पंजाब की बात करें तो इसमें वो अच्छी खासी सीटें लेकर के दूसरे नंबर पर थे। नहीं, दूसरे नंबर पे तो थे लेकिन जो वोट शेयर था वो हमारा था, जो कांग्रेस का वोट शेयर 35% था हमारा 31% था और आम आदमी का 21% था, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं वो जो वोट शेयर है 6% रह जाता है। आप इस बात को देखिए कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब के लोगों ने एक मौका दिया लेकिन वो उसमें फेल हो गई। अब उनके पास, हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो पंजाब की डेवलपमेंट के लिए बात करेगा, पंजाब की एजुकेशन के लिए बात करेगा, पंजाब के स्वास्थ्य के लिए बात करेगा, रोजगार के लिए बात करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बात करेगा।